आज सदी के महानायक एलन मस्क का सोचना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ हो सकता है, जिसकी वजह से न्यूरोलिंक करके हमारे एलन मस्क जी ने एक कंपनी डेवलप की है। उनका मानना है कि भविष्य में हम ह्यूमंस कुछ ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण कर देंगे जो कि ह्यूमंस से भी तेज़ी से सोचने में ज़्यादा शक्तिशाली होगी। साथ में वो हम ह्यूमन से ज़्यादा निर्णायक फैसले ले सकेगी, यानी उसके पास खुद की कैपेबिलिटी हो कि वो खुद के निर्णय ले सके और खुद के बारे में सोच सके और खुद के डिसीजंस मेकर बन सके। यदि ऐसा होता है तो हमारी मानव जाति को भविष्य में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट हमसे होंगे कि हम भी उनके सामने, इंटेलिजेंस के सामने बिल्कुल फेल हो जाएंगे। ऐसा हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक ये आयुर्वेदिक चैनल पर क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए कई तथ्य आते हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में कई ऐसे फैक्ट मिलते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें से एक कहानी मैं आपको बताऊँगा। शिव जी का अंश, जिसे जलंधर के नाम से भी जाना जाता है, जलंधर इतना ज़्यादा शक्तिशाली था, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि वो शिव जी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। जलंधर कोई और नहीं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण हो। उसने सभी देवी देवताओं को हरा दिया था, जिससे कि यमराज तक भी उससे डरने लगा था। इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि भविष्य में हमने बना लिए तो हम मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। लेकिन इस खतरे से बचा कैसे जाए, उसके पीछे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। हमारे शास्त्रों में सिर्फ एक ही बात पर जोर दिया जाता है कि यदि आपने अपनी बुद्धि विवेक का निर्माण कर लिया तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से लड़ सकते हैं। लेकिन इन बुद्धि विवेक का निर्माण कैसे करें? हमारे आयुर्वेद में योग का चैप्टर आता है और योग बोला जाता है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। हमारे ब्रेन की सारी वृत्तियों को, सारी फालतू वृत्तियों को रोक करके अपने ब्रेन को एक जगह फोकस करना, किसी चीज़ से जोड़ना, अपने लक्ष्य से जोड़ना ही योग कहा जाएगा। लेकिन आज चलते हुए टेक्नोलॉजी के युग में हम लोग तो आलसी होते जा रहे हैं और मशीन्स यानी कि मोबाइल फोन्स स्मार्ट होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, हमने खुद के ब्रेन को डेवलप करने पर जोर नहीं दिया, तो भविष्य में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आज कई लोगों को मोबाइल्स की, गेम्स की ऐसी लत लग गई है कि वो अपने मेन काम को छोड़कर इन काम की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन यदि हम ध्यान, मेडिटेशन और साथ में अपने पौराणिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, आयुर्वेद पुराण हैं कई, उपनिषद हैं कई, ऐसे हम यदि इनका अध्ययन करते हैं तो हम अपने इतिहास को जान पाएंगे और सॉल्यूशंस भी पा पाएंगे, साथ में अपने ब्रेन को उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई गुना तेज कर पाएंगे। तो इस वीडियो का यही उद्देश्य था कि आलस छोड़ें, अपने शरीर को फिट रखें, अपने मस्तिष्क को फिट रखें, ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों से हम लड़ सकें। अन्यथा मनुष्य इस दुनिया में थे ऐसा शब्द प्रचलन में आ जाएगा। मैं वैद्य शैलेंद्र शर्मा तब तक आपसे विदा लेता हूँ। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड।